हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10+2 विस्तास बुक से अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर है शुड विजार्ड हेट मम्मी। ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। इसमें एक बच्चे की क्यूरियोसिटी का बताया है कि कैसे वो अपने बड़ों से, एल्डर से क्वेश्चंस करती हैं और कैसे उनकी फीलिंग्स होती हैं, इसमें बताया हुआ है। इन द इवनिंग्स शाम को एंड फॉर सैटरडे नैप्स और शनिवार की हल्की नींद के लिए, लाइक टुडे ठीक आज की तरह, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, जैक ने अपनी बेटी जो, जिस बेटी का नाम क्या था जो, और बाप का नाम क्या था बेटे जैक, एक स्टोरी, उनको एक स्टोरी सुनाई आउट ऑफ हिज हेड, अपने दिमाग से। दिस कस्टम, ये कस्टम जो था, जो ये रिवाज था, बिगन शुरू हुआ व्हेन शी वाज टू, जब वो 2 साल की थी, वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 ईयर्स ओल्ड, और अब वो लगभग, जब वो 2 महीने की थी और अब 2 साल की थी, और अब लगभग लगभग उसको बातों को 2 साल पूरे हो चुके थे। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और उसका सर अब मुझे महसूस होने लगा था कि अर्थात उसके दिमाग में अब कोई कहानियाँ नहीं थी। ईच न्यू स्टोरी, क्योंकि प्रत्येक नई कहानी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल, अर्थात प्रत्येक कहानी में हल्का सा वेरिएशन होता था, बदलाव होता था उसकी बेसिस, उसकी आधार कहानी से। ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली जो प्राय नेम्ड रोजर, जिसका नाम प्राय रोजर होता था, कभी वो रोजर फिश के नाम से, कभी वो रोजर स्क्वेल होता, कभी वो रोजर चिंपक होता, हैड सम प्रॉब्लम, उसे कुछ ना कुछ समस्या होती, एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो उस समस्या के साथ बुद्धिमान वर्द उल्लू के पास जाता। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और वो उल्लू उसे बताता कि उसे विजार्ड अर्थात एक मैजिशियन है, विजार्ड है, उसके पास जाना चाहिए। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और वो विजार्ड जो था, जादूगर था, वो उसके ऊपर एक मैजिक स्पेल करता था, तो उसके ऊपर कुछ जादू करता, दैट सोल्व द प्रॉब्लम, जिससे वो समस्या हल हो जाती थी। और डिमांडिंग, इसके बदले में वो इन पेमेंट, डिमांडिंग इन पेमेंट, इसके बदले में वो पेमेंट मांगता ए नंबर ऑफ पेनीज, कुछ पेनीज मांगता, जो कि ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर है, जो पेनीज ज़्यादा होती, जो रोजर क्रिएचर के पास होती थी, उससे ज़्यादा वो पेनीज मांग लेता था। बट इन द सेम ब्रीथ, लेकिन ठीक उसी सांस में, डायरेक्टिंग द एनिमल, वो उस एनिमल को दिशा निर्देश देता टू ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर वेयर, जहाँ द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर अतिरिक्त पेनीज ढूंढी जा सकती थी। देन रोजर वाज सो हैप्पी, तब रोजर बड़ा प्रसन्न होता, ही प्लेड मैनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम खेलता विद अदर क्रिएचर्स, दूसरे जानवरों के साथ, एंड वेंट होम, और घर जाता, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, जस्ट इन टाइम, ठीक उसी समय, टू हियर, सुनकर, द ट्रेन व्हिसल, ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनकर वो घर जाता, जो गाड़ी क्या करके लाती थी, दैट ब्रोट हिज डैडी, जो गाड़ी उसके डैडी को लाती थी होम, घर पर, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्टडी कीजिए, कल इससे आगे।